और क्या बोल दो था, और क्या बोल दो आप सबको मेरा प्यार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। खाना का संजय ने तो अपना सर को कल रात में बटन पोनो भी गई तो जीप भी जल जाते हैं, छाले हो जाते हैं, अगर गरम खाऊंगा तो पता नहीं क्या बात है ऐसी। ये रहा मेरा छोटा देवर। तो ये सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार बनाना, नमस्ते, मेरा नाम है ऋतु बिष्ट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु बिष्ट पहाड़ी पर। तो दोस्तों शुरू करते हो आज का ब्लॉग नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के ठीक 8:30 बजे से। तो अभी मैंने सुबह का नाश्ता तो मैं बना चुकी हूँ, और अभी कुछ बर्तन है यहाँ पे तो उनको धो लेती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों का आज का मौसम कैसा है। मौसम तो देख सकते हैं आप लोग, आज का मौसम हल्के हल्के बादल छा रखे हैं आसमान में, और थोड़ा मौसम ठंडा हो गया आजकल की बारिश से, तो हो सकता है आज ही बारिश हो जाए। अभी वैसे धूप तो नहीं आई है क्योंकि बादल छा रखे हैं पूरे आसमान में। तो अभी आए हैं हम डिग्गी में पानी लेने के लिए, पीने वाला पानी के लिए। ये देखिए हमारे घर की खेती बाड़ी, यहाँ पे हल्दी वगैरह हो रखी है, बीन्स हो गई, हल्दी हो गई, और एक कद्दू की बेल जा रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर से थोड़ा आगे वाले गांव में। दोपहर अभी टाइम हो रहा है ठीक दिन के ठीक 12:30 बजे, और कोई ब्लॉगर है पीछे से आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कुमरान गांव में, तो मैं तो आज पहली बार जा रही हूँ वहाँ। और ये रही हमारी बच्चा पार्टी, तो ये भी जा रही है, चलो ना चल चल, आ रही मम्मी, आ रही अभी। तो एक घर ये रहा यहाँ पर, मैं तो आज पहली बार आ रही हूँ यहाँ, तो देखती हूँ कैसा है यहाँ, मैं तो कभी नहीं गई। सीधा आगे चलो, हाँ और देखिए यहाँ से सीधे आगे श्रीनगर चौराहा दिखाई दे रहा है। हेलो, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम उस गांव के थोड़ा पास में ही, और ये देखिए एक दो मकान ये रहे यहाँ पे, तो ये भी टूट जैसे रखे हैं क्योंकि यहाँ शायद कोई रहता नहीं होगा। Thank you।
और ये देखिए हमारे पहाड़ की ये सबसे मेन बात है कि हमारे पहाड़ में कैसे देव देवता अपने भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तुम बोल दिया और क्या बोल दूं मैं और क्या बोल दूं मैं आप सबको मेरा प्यार नमस्कार प्यार भरा नमस्कार काली प्लेट खाना बहुत ज्यादा भूख लगी करना नमस्ते बस तो नमस्ते बोलना आई होप आप सभी बढ़िया होंगे सूजी आ गई छोसे छोला आ गए अबे पूसी पूरी आई दिया ग्राम है क्या मतलब था खिलौना था वो अगर गर्म मिले तो जीप भी जल जाते हैं छाले हो जाते हैं अगर गर्म खाऊंगा तो पता नहीं क्या बात है ऐसी तो मेरे वहां ज्यादा लाल होना ना तुम्हारा वहां हल्का लगा तो दोस्तों ये बज रहे हैं दिन के ठीक दो और मैं निकल चुकी हूँ वहाँ से घर के लिए क्योंकि अभी ससुर जी को भी आना है खाना खाने के लिए तो मैं भी अभी घर जा रही हूँ और मेरे साथ है साहिल ये रहा मेरा छोटा देवर तो ये और मैं जा रहे हैं घर क्योंकि और लोग तो अभी आए नहीं और धूप बड़ी तेज हो रही और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा गांव छोटा सा भाग मत यार मेरे को भी रुक टाइगर आएगा टाइगर तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हूँ मैं घर पे और बाहर तो इतनी तेज धूप लगी हुई है क्या ही बोले तो दोस्तों अभी टाइम है शाम का और बाहर तो अंधेरा होने ही वाला है तो आज मैंने सोचा क्योंकि गरीब थी तो क्यों ना थोड़ा सब्जी रख लूँ तो अभी मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना तो अभी सब्जी मैंने गैस पे ही छौंक रही हूँ उसके बाद चूल्हे पे रखूंगी खाने के लिए चूल्हे पे
और देखिए बाहर अंधेरा होने वाला है।